वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में जिनके ऊपर आज के दिन एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। जैसा कि मैंने उनमें से एक शेयर ओपन किया जिसका नाम है JHS सेवन गार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 29.30 रुपीज़ है और इसकी डे की जो क्लोजिंग हुई है वो करीब 20% के आसपास डे हाई पे हुई है। तो हम सिर्फ इसके लेवल के ऊपर बात करते हैं। अगर आप चाहते हो इस शेयर के ऊपर कोई डिटेल वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मैसेज करना। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है तो आप अगर इसका ट्रेडिंग पैटर्न देखोगे ना तो इस शेयर के ऊपर जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत तेज़ी से मूव आ रहे हैं। तो ऐसे किसी शेयर के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए ना किसी कंपनी को प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ तभी शेयर्स की ग्रोथ होनी है उसी के अकॉर्डिंग। अभी के लिए अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो, मेरे हिसाब से आपको अभी नहीं बाय करना चाहिए। फिर भी कोई से बाय करना चाहता है तो आपको वेट करनी चाहिए, जब आपको 24 रुपीज़ के आसपास ये शेयर मिले कभी तभी आप इसे बाय करो। अभी के लिए अगर ये शेयर आपके पास है 28 रुपीज़ के SL के साथ आप इसे फॉलो कर सकते हो। और फ्यूचर में कभी भी इसने 32 रुपीज़ का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके सामने, अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर 2 या 3 दिन कभी सस्टेन हो गया ये, तो उसके बाद आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है अबॉन ऑफ सेल्स लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 65.40 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग 20% के आसपास करीब डे हाई में हुई है। तो एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे रिसेंटली एक अच्छा खासा मूव इस शेयर में हमें देखने को मिला है, पर फिर भी अगर कोई अभी इसे बाय करना चाहता है तो मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल ना करे और करीब 60 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग SL इसे फॉलो करे। अगर ये शेयर कभी 70 रुपीज़ के ऊपर 2 या 3 दिन सस्टेन होता है, 2 या 3 दिन, तो उसके बाद आने वाले टाइम में इस शेयर में अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए अगर कोई इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सबसे पहले आप प्रॉपर स्टडी करो, कंपनी के बारे में जानो, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। और जो अभी इसमें फिर भी जो प्राइस है लॉन्ग टर्म का, अगर 50 रुपीज़ के आसपास ये शेयर कभी मिले आपको तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हो, पर प्रॉपर स्टडी करने के बाद। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 115.65 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग करीब 20% के आसपास डे हाई पे हुई है। तो एक बार हम इसका लेवल देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने ओपन किया है, अभी के टाइम में एक अच्छा खासा पीक है, तो पीक के ऊपर कभी भी कोई शेयर आपने बाय नहीं करना। अगर आप कोई करता है तो प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग SL के साथ ही बाय करें। अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग SL मेंटेन नहीं कर सकते तो कभी भी कोई भी शेयर पीक में बाय मत करो। अभी के लिए अगर ये शेयर आपके पास है तो 110 का एक हमारे पास SL है और आने वाले टाइम में जो उसका करंट प्राइस है अगर इसी प्राइस के ऊपर या 120 के आसपास, मैं सिंपल आप कह सकता हूँ, अगर 2 या 3 दिन सस्टेन होता है तभी इसमें एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर शेयर पीक पे होता है, अगर उसमें उस टाइम प्रॉफिट बुकिंग हुई तो अच्छी खासी गिरावट होती है। तो हमेशा पीक पे कभी भी शेयर को बाय करो तो एक स्ट्रॉन्ग SL फॉलो करो। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग SL फॉलो नहीं कर सकते तो किसी भी शेयर में पीक में बाय मत करो। और इसमें जो अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो, जो इस शेयर को सबसे सही टाइम इसे बाय करने का, वो है 90 रुपीज़ से 95 रुपीज़ के बीच में। ये एक टाइम है जब आप इस शेयर को बाय कर सकते हो एज़ फॉर इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए, पर फंडामेंटली जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप इसमें। आज के लिए इतने, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में